टोकन पहले भी हम आपको पढ़ा चुके थे और बताए थे कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स के लिए हम बता रहे हैं, टोकन किसी भी चीज़ को पास करने की अनुमति होती है। और प्रोग्राम में टोकन जो होता है, टोकन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यह सी लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको कंपाइलर पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। टोकन्स ही कंबाइंड होकर सी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं उस प्रोग्राम को। और टोकन्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यही उस चीज़ को परमिशन देते हैं। सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के टोकन्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, इस टाइप्स के आपके टोकन्स होते हैं। टोकन्स होना प्रोग्राम में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर टोकन्स नहीं होगा तो आप किसी प्रोग्राम को नहीं बना सकते। टोकन्स किसी चीज़ को बनाने की अनुमति देता है। टोकन्स का यूज नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते आप। हम बता रहे हैं कीवर्ड। सी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व और प्रीडिफाइन शब्द होते हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है, जिन्हें कीवर्ड कहते हैं। ये सिंटैक्स के पार्ट होते हैं, विदाउट इसके सिंटैक्स आप नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग करते समय इन्हें वेरिएबल्स अथवा फंक्शन या आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। सी प्रोग्राम में 32 कीवर्ड होते हैं। कंपाइलर को भी सभी कीवर्ड की मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है, वो सी लाइब्रेरी में पहले से ही स्टोर होता है वो चीज़ें, या जो चीज़ हमें उसमें स्टोर नहीं होता सेल्फ फंक्शन बना के यूज करना पड़ता है। सी प्रोग्राम के कीवर्ड्स जो होते हैं ये सामने हैं आपके फिगर 2.2 में, 2.2 में, जैसे फ्लोट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इंट हो गया। जैसे कांस्टेंट लिखना है आपको तो कांस्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, जैसे इंटीजर हो गया तो इंट लिख देंगे। फार, ब्रेक, वाइड, कंटिन्यू, साइन, डबल, स्टक्ड, ऑटो, अनसाइंड, एल्स, स्विच, शॉर्ट, लॉन्ग, टाइप, डिफाइन, इनेम, डिफॉल्ट, साइज ऑफ, गो टू, रिटर्न इफ, व्हाइल, रजिस्टर, केस। अब देखो चार हो गया, जैसे करेक्टर्स के लिए लिखते हैं तो चार लिख देते हैं। वोलेटाइल हो गया, एक्सटर्न हो गया, यूनियन हो गया, डो हो गया, स्टैटिक, इस टाइप्स के आपके कीवर्ड उसमें डिफाइन होते हैं। अब इन्हीं का हम यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए जैसे देखिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एन। अब जैसे अब मेन फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंट यूज किए हैं, मतलब एम कामा एन सेमी कॉलम। तो यहाँ इंट जो है हमारा क्या है, कीवर्ड है। अब ये टोकन्स भी बोलते हैं इसको। अब ये चीज टोकन्स हमने यूज कर लिया तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि एम और एन जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्टर टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है आपका, सॉरी इंटीजर टाइप का है। तो ये वैल्यू जब भी आप देंगे वो इंटीजर को ही शो करेगा, जैसे 5, 2 जितने भी संख्याएं हैं उससे इसको शो करता है। अब जैसे प्रिंट ऑफ कर दिए तो कीवर्ड इंट सी और रिटर्न 0 वैल्यू करेगा और फिर प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा क्या रहा, उदाहरण रहा, कैसे यूज करना है इस सेंटेक्स एक टाइप का उदाहरण के थ्रू कि इंट का यूज कैसे करते हैं। दिए गए उदाहरण में इंट और रिटर्न कीवर्ड जो है इंट के द्वारा वेरिएबल एम और एन को डिक्लेयर किया गया है। इंटीजर टाइप की वैल्यू देकर आप इसको क्लियर किए हैं वेरिएबल एम और एन को, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है या बताता है। किसी वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन या यूजर डिफाइंड डेटा के दिए गए नाम को ही क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। प्रोग्राम में आइडेंटिफायर यूनिक होते हैं, ये यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। आइडेंटिफायर में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर हो सकते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी कोई डिजिटल के साथ शुरू नहीं होता है। वैलिड आइडेंटिफायर
जैसे ABC, X, M, T1 इस टाइप के होते हैं। इनवैलिड आइडेंटिफायर, जैसे आप पहले वन लगा दिए, ए इंटीजर हो गया, और फिर उसके साथ यू लगाए हैं, कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, ये सब क्या है? आपके अनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। उदाहरण देखिए, जैसे इंट इंटीजर टाइप का हो गया ABC, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 89। इसमें ABC एक आइडेंटिफायर है जो इंट टाइप वेरिएबल को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू 89 है। ABC क्या है? आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो वैल्यू जो है 89 ABC की, वो क्या है? इंट टाइप का है। आइडेंटिफायर बनाने के नियम, मतलब किसी चीज को पहचानने के नियम। एक वैलिड आइडेंटिफायर लेटर जो होते हैं अपर केस A to Z, और लोअर केस लेटर जो है स्मॉल Z, डिजिट 0 to 9 या अंडर स्कोर से बना सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? आइडेंटिफायर का पहला अक्षर लेटर या अंडर स्कोर होना चाहिए। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं, उदाहरण के लिए साइन और स्मॉल साइन और कैपिटल यस साइन दो अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। कीवर्ड को आइडेंटिफायर की जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बताते हैं कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में अंतर क्या होता है। कीवर्ड और आइडेंटिफायर में अंतर क्या होता है? सीरियल नंबर फर्स्ट हम कीवर्ड देखेंगे और आइडेंटिफायर। देखिए, कीवर्ड जो है, कीवर्ड पहले से ही डिफाइन होते हैं और आइडेंटिफायर यूजर के द्वारा डिफाइन होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि कीवर्ड जो है पहले से ही डिफाइन होता है, और आइडेंटिफायर जो होता है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। कीवर्ड केवल लोअर केस में ही लिखे जाते हैं, आइडेंटिफायर दोनों लोअर और अपर केस में भी लिखे जा सकते हैं, ये दूसरा अंतर है। तीसरा क्या है? इसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को डिफाइन रहता है कीवर्ड में, और आइडेंटिफायर में इसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को डिफाइन नहीं रहता, ये कंपाइल करके उस चीज़ को डिफाइन करता है। चौथा क्या हो गया? ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर के कम्बिनेशन से बनते हैं। कीवर्ड जो है ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर के कम्बिनेशन से बनते हैं, और आइडेंटिफायर में ये अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक के कम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिक भी होगा, तब उसके कम्बिनेशन से आइडेंटिफायर बनता है। आइडेंटिफायर प्रोग्राम में जो कम्प्लेक्सिटी होती है उस चीज़ को कम करता है। मतलब कई जगह आप कीबोर्ड का यूज करते हैं, अगर आइडेंटिफायर एक जगह बना दी है तो उसको अदर जगह आइडेंटिफाई करा के यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। नेक्स्ट चीज आता है आपका कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स एक प्रकार का ऑपरेशनल सिंबल्स होता है, मतलब किसी चीज को ऑपरेशन करता है। जैसे दो और दो को जोड़ रहे हैं आप, एडिशन कर रहे हैं तो 4 होगा, तो दो और दो को क्या किया? ऑपरेशन कर दिया, तो 4 हो गई उसकी वैल्यू। यही है ऑपरेटर्स आपका। ऑपरेटर्स एक प्रकार का ऑपरेशनल सिंबल्स होता है, जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को डिफाइन होता है। यह मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन की तरह कार्य करता है। यह ऑपरेंड पर किसी स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करने के लिए अप्लाई होता है। सभी ऑपरेटर्स का मीनिंग अलग अलग होता है। उदाहरण देखें, जैसे धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्लैश हो गया, प्रतिशत हो गया, एक्सेट्रा। ये अलग अलग तरह के आपके क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। जैसे प्लस लगाएंगे तो एडिशन करेगा, माइनस लगाएंगे तो सब्सट्रैक्शन करेगा, और स्टार लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, स्लैश लगाएंगे तो डिवीजन करेगा, प्रतिशत लगाएंगे तो फिर से इसको प्रतिशत करेगा, एक्सेट्रा। ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, हम आपको यहाँ पे एक एक ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। ऑपरेटर्स के प्रकार, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है दो तरह के होते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर्स होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होता है,
कॉमाज ऑपरेटर्स होता है। ये सारी आपके पास जो हैं वो ऑपरेटर्स के प्रकार हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होगा वो अर्थमेटिक अंकगणितीय करेगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। इन ऑपरेटर्स का प्रोग्राम में यूज करने का मतलब यह है कि जैसे किसी भी वैल्यू को 10 बार आपको प्रिंट कराना है, ठीक, तो आप बार बार इसी एक कोड को लिख के उसको बार बार प्रिंट कराएंगे तो प्रोग्राम में कम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा जटिलता होगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इन सब सारी चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे किसी भी प्रोग्राम को 10 बार प्रिंट कराना है आपको, तो उसमें आप उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उसकी जो सिंटेक्स है उसको, मतलब इंक्रीमेंट का यूज करके ऑपरेटर्स का उसको यूज करेंगे तो 10 बार प्रिंट कर देगा, एक ही बार में हो जाएगा वो चीज़ें। वैसे होता तो बार बार उस चीज़ को डिफाइन करना होता प्रोग्राम में, जिससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी और बढ़ती, जटिलता होता। इन सब चीज़ों के लिए सब सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो इसके रहे प्रकार, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑपरेंड्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए होता है, जैसे एडिशन, सबस्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अथवा डिवीजन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, एडिशन ऑपरेटर्स मतलब प्लस, दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटर्स देख लीजिए, उसकी मीनिंग आपको पता भी होगा। जैसे प्लस, प्लस का जो चिन्ह है वो क्या है, एडिशन करता है। माइनस का जो चिन्ह है वो क्या करता है, सबस्ट्रैक्शन करता है या मीन्स करता है। स्टार का जो चिन्ह है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। स्लैश का जो चिन्ह है वो क्या करता है, डिवीजन करता है। प्रतिशत का जो चिन्ह है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन मॉड्यूल डिवीजन, उस चीज़ों को क्या करता है, डिवाइड करता है। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स के उदाहरण भी हम आपको बता दे रहे हैं। सी प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन। सी प्रोग्राम में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है या वर्क करता है। इस टाइप का प्रोग्राम है आपका। जैसे देखिए, हैश हो गया, इंक्लूड हो गया, स्टूडियो डॉट एस मतलब हैश क्या हो गया, प्री प्रोसेसिंग। इंक्लूड मतलब क्या, किसी चीज़ को जोड़ना। स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्या करेगी, कोई भी डाटा जो देंगे आप उस चीज़ को क्या करेगा, इंक्लूड।